इजराइल के एक समुद्र को मृत सागर डेड सी के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं इस समुद्र को मृत सागर ही क्यों कहा जाता है? नहीं ना, तो आइए जानते हैं इससे जुड़े रहस्यों के बारे में। यह समुद्र पृथ्वी की सतह से करीब 1375 फुट गहरा है और समुद्र की सतह से करीब 2400 फुट नीचे है। यह अपने उच्च घनत्व के लिए जाना जाता है। इस समुद्र की खास बात यह है कि यहाँ कोई डूब नहीं सकता, चाहे उसे तैरना आता हो या तैरना ना आता हो। इंसान यहाँ बिना किसी डर के आसानी से तैर सकता है। अभी हाल में ही मृत सागर को खून की तरह लाल देखा गया है। रहस्यमयी बातों के लिए दुनिया भर में चर्चित जॉर्डन में स्थित मृत सागर एक बार फिर से लोगों के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। दरअसल इस सागर का पानी अचानक खून के रंग की तरह लाल हो चुका है। वैज्ञानिक अब इस कारण का पता लगाने में जुट गए हैं। मृत सागर दक्षिण इजराइल के जुडियन रेगिस्तान में स्थित एक नमकीन झील है, जिसकी सीमा पूर्व में जॉर्डन से लगती है। इसकी उत्पत्ति लगभग 40 लाख साल पहले हुई थी और अब इसी डेड सी के पानी से एक बड़ी झील निकलती है, जिसका पानी रहस्यमय तरीके से लाल हो गया है। पानी का रंग रहस्यमय लाल क्यों हो गया है? जाँच के लिए जॉर्डन के जल और सिंचाई मंत्रालय के अधिकारियों ने जॉर्डन की सीमा के अंदर लाल लैगून से पानी का नमूना लिया है, लेकिन अभी तक जांच में ऐसे परिणाम नहीं निकले हैं जिसे किसी स्पष्ट नतीजे पर पहुंचा जा सके। रहस्यों से भरा है मृत सागर। मृत सागर को एक रहस्यमय समुद्र माना गया है। यूनान के लेखकों ने इस समुद्र को डेड सी का नाम दिया है, तो वहीं हिब्रू के लोगों ने साल्ट सी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह दुनिया का इकलौता समुद्र है जिसमें कोई भी डूब नहीं सकता है। यह सागर पृथ्वी के पानी के सबसे नमकीन पिंडों में से एक है और यह पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है। इसका पानी इतना ज़्यादा नमकीन होता है कि पानी में किसी भी तरह के समुद्री जीव नहीं रहते हैं। कई तरह के श्वसन रोगों वाले लोगों को इस क्षेत्र में बढ़ते वायुमंडलीय दबाव से लाभ हुआ है। दुनिया के समुद्रों का पानी खारा या नमकीन होता है। इसमें नदियों की पानी की तुलना में इसके पानी में 20 गुना ज़्यादा ब्रोमीन, 50 गुना ज़्यादा मैग्नीशियम और 10 गुना ज़्यादा आयोडीन होता है। इसी वजह से ना तो ये पानी पीने के लायक है, ना इसमें मौजूद नमक का उपयोग किया जा सकता है। इस समुद्र में नमक की सघनता ज़्यादा होने की वजह से जल में रहने वाले जीव भी जीवित नहीं रह पाते, इसलिए इस समुद्र को मृत सागर कहा जाता है। इसकी खूबी और इसके आसपास फैले सौंदर्य की वजह से इसे 2007 में विश्व के 7 अजूबों में चुनी गई 28 जगहों की सूची में शामिल किया गया था। इस समुद्र के आसपास अनेक पिकनिक स्पॉट और होटल बने हुए हैं। यहाँ हर समय लोगों की भीड़ लगी रहती है। चाहे इस सागर में कोई जीव जीवित नहीं रह पाता है, पर इस पानी में बहुत सारे औषधीय गुण हैं जो लाइलाज रोगों के लिए इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। वैज्ञानिक ने भी यह साबित कर दिया है कि यहाँ मिलने वाले नमक और खनिज लवण हमारे लिए मूल्यवान है। इसी कारण आज मृत सागर एशिया के मेडिकल टूरिज्म के रूप में आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिए मृत सागर के गुणों की सिद्धि की वजह से ही कई प्रसिद्ध कंपनियां मृत सागर से ली गई चीज़ों पर आधारित सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री बनाते हैं। इसके गर्म सल्फर और कीचड़ कई बीमारियों के इलाज में अहम भूमिका निभाते हैं, खासकर अर्थराइटिस और जोड़ों से संबंधित बीमारियों के इलाज में इनका योगदान अधिक होता है।